शहर के नागरिकों के लिए खुशखबर है स्थायी समिति ने जलापूर्ति टैक्स नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है कोविड संकट से जूझ रहे आम नागरिकों को टैक्स का बोझ बढ़ाने के प्रस्ताव पर नगर सेवकों ने तीव्र विरोध किया स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में जलापूर्ति टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया आयुक्त ने जिलापूर्ति टैक्स पाँच प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था बता दें कि शहर को जिलापूर्ति कर रही ओसी एजेंसी के साथ मनपा ने जिलापूर्ति टैक्स प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान किया है आयुक्त ने प्राप्त अधिकार का उपयोग कर जिलापूर्ति टैक्स पाँच प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था उनतीस अप्रैल को टैक्स वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दी कोविड के चलते नागरिक गत दो वर्ष ऐसी आर्थिक संकट में है कोविड को नियंत्रित करने लॉकडाउन लगाए जाने से अनेक नागरिक बेरोजगार हो गए व्यवसाय चौपट हो गए आर्थिक संकट का सामना कर रहे नागरिकों पर टैक्स बढ़ाकर आर्थिक बोझ डालने के प्रस्ताव का नगर सेवकों ने विरोध करने पर 28 मई को आयुक्त राधा कृष्ण बीन ने टैक्स वृद्धि को स्थगित दी, दी थी स्थायी समिति में विषय पटल पर रखा गया नगर सेवक की कोई भावना और नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए टैक्स नहीं बढ़ाने का सर्वसम्मति ऐसी निर्णय लिया गया टैक्स वृद्धि का निर्णय टाल दिया जाने से नागरिकों की जेब पर आठ करोड़ रुपए का बोझ कम होने की सहायक समिति सभापति प्रकाश भोईर ने जानकारी दी कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार बी न्यूज नागपुर